बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज जो है कुछ सुनना चाहूँगा पढ़ाने से। आज जो है हम ज़रा साइड पर रहेंगे, बल्कि हम कुछ सुनेंगे अपने बच्चों से। जी, तो सूरह अल फलक। आमना, आप सना आ गई हैं? सना, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम सर, वरहमत। खैरियत से हूँ। लेकिन अब आप वो सर सूरह नास थी मेरी। मैं नहीं, हम आपका वेट कर रहे थे। अभी आप सुनाएं प्लीज। सूरह नास से ही शुरू करेंगे। जी प्लीज। सर एक मिनट मैं सुनाऊं। आप सुनाएं, लेकिन नकल ना करें। नकल नहीं सर नकल नहीं करनी। करनी। उस दिन हमने एक दूसरे को आपस में सुना दिया था। हाँ माशाल्लाह आप माशाल्लाह। सुनाए ना, लेकिन नकल करें, लेकिन नकल इस्तेमाल करके। नहीं सर, कि जो हमने नकल हमें नहीं करनी। मैंने मैंने आज नोट्स ही नहीं खोले। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कुल फेले अमर है और इसमें अंता छुपा हुआ है। मैं पनाह मांगती हूँ, इसमें आना छुपा हुआ है। बी सात हर्फे जर है, रब्बी रब के, अन्नास जो के लोगों का रब है। मैं शाबाश, पनाह मांगती हूँ लोगों के रब से। मालिकी क्या बात। मालिक है, बादशाह है, मुजाफ है, अन्नास मुजाफ ले है, लोगों मालिकी नास लोगों। सर एक मिनट, वो शोर हो रहा है, एक मिनट। हाँ कोई मसला नहीं, खैर है, ये चलता रहेगा। हम सब कम सब बाल बचे जा रहे हैं, चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। खैर है, ये सूरत पढ़ा करें बच्चों पे। ये और ये उससे ऊपर वाली भी, ये भी जन्नात में से बच्चे हैं जी ना। सर, सर ये आज पढ़े। मेरे साथ बहुत बड़ा मामला हुआ, नहीं, इसलिए नहीं मैंने पहली क्लास नहीं ली। कोई मसला। मालिकी मालिक मालिक मैंने रब, बादशाह मिल्क, अच्छा मलकियत देखें का देखें, अच्छा बात बादशाह का सुने, मालिक। एक मिनट। सना सना, आप देखो मालिक इन्नास कहेंगी ना, तो ठीक है, माने के लिहाज से मलिक और मालिक इस तरह की भी किरात है। लेकिन आपने जब से आप नमाज पढ़ेंगी ना, तो आपने मलिक इन्नास पढ़ना है, ठीक है? मलिक इन्नास। ओके सर, मालिक सर मैंने उर्दू वाला बोला था तर्जमे अच्छा। के लिए। अन्नास जी, लोगों का रब। हाँ जी, मालिक के तो नहीं होगा ना, मलिक इलनास है ये। जी, ठीक है ठीक है। सना आपने आयशा नहीं बोलना, आपने हम मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी प्लीज सना कंटिन्यू रखिए। इलाहिन्नास, इलाह जिसकी इबादत करते हैं, अन्नास लोगों के रब की, और शाबाश। मीन से, और ये है क्या है, शर्री शर के वसवासिल, वो जो वसवसा डालता है, अल खन्नास ये शैतान। अभी अभी आपने शैतान ने आपको वसवसा डाला कि ये हर्फ जर नहीं है, ये हर्फ जर है, मिन हर्फ ये जर है। हरफे, ठीक है, सही, हाँ मीन हरफे शाबाश जर है। जी जी सर, शाबाश शाबाश। खन्नास शैतान के, अल्लजी वो जो, ये एक मिनट शैतान एक मिनट यानी कि एक मिनट, फाइल। आयशा अपना सना यह देखो ना, जरा मुझे बताओ ना, ये मिन शर्री अलवसवास अलखन्नास, ये ग्रामर के थोड़ा सा मुझे कुछ बताओ, ग्रामर का थोड़ा बताओ। सर वो मीन हरफे जर है, शर शर के वसवास जो वसवसा डालता है, यानी कि शैतान के बारे में कहा जाता है। अल खन्नास जो खन्नास शैतान है, ये डूअर है, फाइल है, और ये मुजाफ है। किसका मुजाफे है? सर लोगों में डालता, तो वो अन्नास जो है वो मुजाफ अले है, और जो खन्नास डालता है वो मुजाफ है। ठीक है चलो, ये तो सीफी है, देखो मरकब तो सीफी है, अलवसवास अलखन्नास। अभी मैं महपारा से पूछूंगा, महपारा बताएंगी आपको दोबारा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये अच्छा ठीक कर रही हैं। अच्छा आगे अल्लजी का तर्जुमा क्या है जी, और ये क्यों आता है? अल्लजी वो जो, शाबाश, क्यों आता है ये, क्या फायदा होता है? अल्लजी हाँ, किस लिए आते हैं सर? इसका फायदा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या सर होता ये है? उसको एक्सप्लेन करता है ना, मतलब शाबाश शाबाश उसकी शाबाश, ठीक है, उसकी डेफिनेशन बता रहा है। वो वेरी जो यानी कि गुड। वो शख्स या वो चीज जो वसवसा डालती है। युवस्विसु सुदूरि नास सी में सुदूर, सीनों में, अन्नास लोगों के सीनों में, वेरी यानी कि नाइस, वो शैतान जो शाबाश, के लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। मिन से जिन्नाती जो के जिन्नों में से हो, वन नास यहाँ के लोगों में से हो। क्या मतलब इसका हुआ? और वाह, मैंने हरफे अतफ और के लिए इस्तेमाल होता है, अन्नास लोगों में से। अच्छा, इसका क्या क्या मतलब हुआ, इस आखिरी आयत का?
मीन्स से जिन्नाती जिन्नात में से, वा मतलब और अन्नास लोगों में से, मतलब मतलब क्या हुआ, मतलब बताओ, मुहावरा बता दो। हाँ सर जो के जिन्नों और इंसानों में से हो, कौन बताओ ना, थोड़ा सा बताओ। हाँ वसवसा डालने वाला सर। हाँ जी, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। यानी कि वो जो वसवसा वसवास है, खन्नास है, वो लोगों में भी हो सकता है और जिन्नात में भी सकता है, और आपको तो पता होगा कि हमारी क्लास में से भी हो सकते हैं ना, तो बस आपने परेशान सर नहीं मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया था, ये पिछले 5 दिन का सबक है और मुझे वेरी नहीं पता था आपने नाइस। टेस्ट लेना। नहीं, बहुत शानदार है माशाल्लाह। अच्छा सर महबान, खन्नास का आपने पीछे हटने वाला भी तो बयान नहीं किया नहीं था वो तो मैं ना। अभी अभी ना कुछ और भी किया है, मैं जरा महपारा से पूछूंगा। महपारा बताओ कुछ बारे में, कुछ जो चीज रह गई हो जी इसमें, कोई बात सर रह गई है जो किसका जो सना ने बात नहीं की, कोई आपने सुना है जी सर सुना है। कुछ, कुछ बताएं कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो। अच्छा आपने सुनना है महपारा, इसके बाद जो सूरत है ना आमना सुनाएंगी, आपने सुनना है गौर से, जी ठीक है। ऐसा कोई बताओ कोई जी चीज। अच्छा खन्नास की बात आपने की, खन्नास का ये वसवास भी शैतान का नाम है और खन्नास भी शैतान का नाम है, ये मैं दोनों नाम जी बताए थे। जी वसवास का वैसे मतलब तो यही नहीं होता है ना, सर वसवसा डालने वाला, लेकिन जी मैंने कहा है जी आपको कि वसवास शैतान के सिफात में से लिखा जाएगा और जी खन्नास सर ये भी इसी के नाम है। कैटेगरीज आपने बताई थी, ये कैटेगरीज है, वेरी खन्नास भी नाइस, कैटेगरी है शैतान वेरी की और नाइस, वसवास और डालने वाला भी कैटेगरी वेरी है। नाइस। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मिन शर्रे, ये क्या है, जर और मजरूर है, ठीक है, जर और मजरूर, ये भी एक मुरक्कब बनता है, काबिले जिक्र नहीं है वैसे, मुरक्कब है जारी, ठीक है, तो उसको खैर जरूरत नहीं है। शर जो है ना ये मुजाफ है, और फिर अलवसवास जो है इसका मुजाफिले है, ठीक हो गया दोस्तों, समझो बात को। और ये जो दोनों है ना आपस में, ये अलवसवास अलखन्नास, ये दोनों मुरक्कब तौसीफी है आपस में, ठीक है, तो ये मौसूफ और सिफत आपस में मिल के मुजाफिले बन रहे हैं शर के लिए। अब आपको समझ आ गई थोड़ी बहुत, ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। अल्लजी जो है इसमें मौसूल है, और ये क्या करते हैं, सिला बनाता है पिछले का अगले के साथ, और अगले जो है उसमें एक्सप्लेन कर देता है कि पिछले क्या बात हुई थी, किसके बारे में क्या बात हुई थी। तो बहुत अच्छा किया सना को, आउट ऑफ 10 कितने देंगी आशा, कितने देंगी आप? सर मुझे माफ रखें मैं आपको माफ किया था आपको वैसे लेकिन सर पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पूरे नंबर है माशाल्लाह, मैं भी ये कह रहा था कि 10/10 है। जज़ाकअल्लाह अच्छा जी, अपना आमना सुनाए सर प्लीज। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कहो ये फेले अमर है और इसमें अंता छुपा हुआ है। आउजू मैं पना मांगती हूँ, इसमें अना छुपा हुआ है। बी रब्बी रब की, इसमें आपने बताया था कि बे जो है वो हर्फे जर है और रब जो है वो मुजाफ है। अल फलक जो सुबह है और ये मुजाफ इलय है, यानी कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह मांगती अच्छा हूँ। अमना, मैं ये बस ये यकीन कर रहा हूँ कि आप पढ़ के नहीं सुना रही, बल्कि आप जुबानी जो है ना वो बता रही है मैं, ठीक जी है। सर मैंने कल बड़ी अच्छा तैयारी की है इसकी वेरी नाइस। और दूसरा बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो कुल है इसका मुखातब है जी अव्वल कौन है, और उसके बाद कौन मुखातब है, जरा ये बताइएगा प्लीज, और इसे तर्जुमे में क्या फर्क पड़ता है उर्दू के तर्जुमे में। कुल इसका मुखातब कौन है? ये नहीं किन से पता किनसे कहा जा रहा है कि सर। कहो मैं कहो? सर मुझे आते हैं आंसर अगर आप पूछेंगे तो। हाँ सना बताएं प्लीज। जी सर जब ये वही नाजिल हुई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि कुल यानी कि फरमा दीजिए, और उसकी उनके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के उतरने के बाद ये कयामत तक तमाम मुसलमानों के लिए ये जारी कर दिया गया कि अच्छा वो इस तरह कुल कहकर जो है वो दुआ मांगे अल्लाह मतलब से। इसके मुखातब सही। अच्छा तो हम इस तरह में क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि हम यानी कहेंगे कहिए आप फरमा दीजिए, आप कहिए कह नबी पाक दीजिए, सल्लम के लिए हाँ तो वो फरमा हम उर्दू में, दीजिए। उसमें आप उर्दू तर्जुमे में देखेंगे आप लोग ना कि ये फर्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मुखातब अव्वल जो है वो रसूलुल्लाह मुबारक हैं, तो इसलिए जो है कुरान मजीद उन पे नाजिल हुआ है, उनके कल्ब अथहर पे नाजिल हुआ है, तो वही मुखातब है, और उनके वसीले से फिर हम जो है वो सारे मुखातब है, और हर इंसान जो है फिर उसको ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो कुरान मजीद है ये मेरे लिए हिदायत है। शाबाश। अच्छा आगे क्या है जी? मिन से शर्री यानी शर या बुराई, और इसमें मिन जो है वो भी, और मिन जो है वो हरफे जर है हाँ और शर जो है वो मजरूर है, वेरी नाइस, माँ और माँ का जो खलक उसने पैदा किया और इसमें हुआ छुपा हुआ है और ये फेले माजी है, शाबाश। तो हुआ यानी कहाँ जा रहा है? कुल हाँ हाँ प्लीज शाबाश जी भाई। हाँ हुआ का हुआ कौन है? हुआ
खालका में हुआ है तो हुआ कौन है? उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने। शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश। आगे। व मिन शर्री, व और मिन से शर्री बुराई या शर से, गासिकिन अंधेरे के, शाबाश। इजा जब, वकब जब वो फैल जाए, और इसमें इसमें जो है वो हुआ छुपा हुआ है और ये फेले माजी है, कुछ यानी और और भी है? हाँ, अंधेरे के शर से जब वो फैल जाए। यहाँ कुछ बात है, यहाँ कुछ बात है, खास बात है यहाँ पे, उर्दू तर्जुमे में काम आएगा आपको। खास बात है, वो इजा के मुतल्लिक बात बताई थी। इजा क्या चीज़ है? हाँ सर, आपने बताया था कि वो मुजारे ओहो, मैं नहीं, बताऊं? एक नहीं नहीं मिनट सर, सना आपने सना, सर नहीं, सोच सबर सबर करो। वो रहे मैंने थे। आपको बताया नहीं था, वो जो मदीने के इमाम, जो वो बताया भी था आपको पहले भी, कि जब आप लुकमा देते हैं ना, फतहा देते हैं इमाम को, तो थोड़ा सा सबर कर लिया करें। वो जो इमाम साहब जो है नमाज में ही उनसे कहते हैं थोड़ा सबर रखो, थोड़ा सबर रखो। मैं थोड़ा सा याद तो मुझे करने दो, रिवाइज तो करने दो आयत को, हो सकता है मुझे खुद याद आ जाए। तो ये इन्हें तैयारी की है 2-3 दिन, तो अभी जरा इनसे पता करते हैं ना। सर, इजा वकब में आपने बताया था ना, वकब में जो है वो होवा है और वो फेले माजी है, और इजा जो है अब ये तर्जुमा आप कर नहीं पाएंगी, मैं बगैर उर्दू तर्जुमा हम कर रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं, तो उर्दू तर्जुमा नहीं जी कर सर। पाएंगी अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो तो। सर ये नहीं याद है चले, मैं बाकी आपका ना, इजा आपकी वाला। आपकी आपकी जो बाजी बाजी से पता करते हैं। जी 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 अच्छा, इसमें ये है कि जब आप, जब इसका जो है वो पास्ट, जब इजा आ जाता है तो तब ये होता है कि जो माजी उसके बाद आता है तो वो मुजारे में चेंज हो जाता वेरी नाइस, शाबाश। इसकी कोई और है। मिसाल बता दो फिर, जैसे मैं मानूंगा आपको। आयशा बताओ, कोई और मिसाल बताओ। अच्छा, कि सूरह नसर आपने मुझे दी थी, तो उसमें भी इजा जा है, तो उसमें भी ये जा का देखो यार, मतलब आया है, तो ये तो आपकी लक हो गई है कि आपकी वही सूरत है जो बस तो हो गई ना वेरी सर, अब ये तो कोई बात नाइस। नहीं 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 ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। ना हुई। अच्छा चले जी, आमना जिंदाबाद जी, आमना। जी, वमिन शर्री, और शर से, नफ्फासाती, फूंक मारने वालियों के, और ये इसमें फाइल है, फी हाँ, मैं, ये हरफे जर है, अल उकद गिरहें या गांठें, क्या यानी मतलब वो इसका आयत का बामहावरा? हाँ, और गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। ये कौन है, ये कौन होती है, ये कौन है ये जो फूंक मारती है? जादू तो जो जादू करने वाले जो हैं। वाले होते हैं, बहुएं होती हैं या सासे होती हैं, बस ये समझ लें मिसाल जी मिसाल के तौर पे। और जी बास दोस्त भी, सना गौर से, बास दोस्त भी ऐसे। जी सर जी अच्छा जी, प्लीज सर। आगे। अच्छा, आमना वमिन आगे। शर्री, और शर से हासिदिन, हसद करने वाले, इसमें होवा छुपा हुआ है और ये इसमें फाइल है, सही, इजा जब, हसद वो हसद करें, वेरी नाइस। और ये हासिद के, और हासिद के शाबाश, शर से जब वो हसद करे। हाँ शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने ये देख रहा था जरा आमना, कि नफ्फासात मैंने पहले भी आपको ठीक करवाया था, जरा दोबारा ये आयत पढ़े जरा, सिर्फ तलावत करें इसकी, कैसे कहेंगे? वमिन शर्रिन नफ्फासाती, हाँ, मिन शर्रिन नफ्फासाती, सा नफ्फासाती। के बाद भी डबल ए है और सा के बाद भी डबल ए है, तो जी सर। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत वमिन शर्रिन नफ्फासाती। वेरी नाइस यार। ये तो आमना की बड़े कमाल की, अनम की अच्छी खासी जो शागिर्दाएं तैयार हो गई माशाल्लाह। अनम खुद नहीं आई आज ना, अनम नहीं आई, कोई नहीं, खैर जी वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, खैर है। अच्छा जी, तो ये सूरह इख़लास किसकी है? ये मेरे ख्याल से डॉक्टर नसरीन की चले चले, ये सूरह लहब है किसी की? चले थी, मापारा अब की है। सर मेरी है मापा सूर्य लहा। सुनाओ ना, ये शुक्र है किसी ने कह दिया, वरना तो आपने तो गुजर जाना था। चल सुनाओ, शाबाश। नहीं, शैतान रोजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अभी लहब यूं वतब, तब्बत टूट गए, और ये मोअन्नस का सीगा है। वाह यदा ये लफ्ज यदान था, लेकिन क्योंकि मजाक बन रहा है इसलिए लफ्ज यदा हो गया। शाबाश, अभी अबू लहब की उसमें ये कुनियत है, तो अभी मजाफ है इसलिए अभी का इस्तेमाल हुआ है। अभी लहब यूं, लहब इसम है, उसका नाम है। वह तब वाह हुर्फ अतफ, वाह हुर्फ अतफ है, और अच्छा तब वो हलाक हुआ, ये माजी है। टूट गए अभी लहब के हाथ और वो हलाक हुआ।
माँ जो कुछ अगना उसने कमाया, अन हो उससे माँ लोहू जो कुछ नहीं लोहू नहीं नहीं उसका नहीं माँ नहीं नहीं लोहू नहीं एक माँ मिनट लोहू उसका माल, नहीं नहीं माँ एक लोहू मिनट उसका एक माल, मिनट ये शुरू वाला जो माँ है वो कौन सा माँ है? माँ अगना वाला माँ कौन सा है? ये वो हुर्फ नफी हाँ तो क्या तर्जुमा करेंगे? उसके काम ना आया। हाँ शाबाश, अगना का क्या तर्जुमा कर सकता हूँ मैं? क्या दो तीन तर्जुमे हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं समझाइए। अगना मतलब उसके काम नहीं आया, या उसने इस्तेमाल नहीं किया, या उसको फायदा नहीं पहुंचाया। हाँ देखो ना, उसको गनी नहीं किया, उसको बेपरवाह नहीं किया इस चीज ने, अच्छा बेनियाज नहीं किया बे उसने, यानी उस माल ने यार उसको बेनियाज नहीं किया कि तुम बस आराम से बैठे रहो, हम कर लेते हैं हम कर लेते हैं, इसको कहते हैं बेपरवाह कर देना। तो बेपरवाह नहीं किया बेपर उसको, उसने किसने, माल हु उसके माल ने, ठीक उसके है। ये माल हु, ने ये हु कहाँ जा रहा है? हु कहाँ जा रहा है? गलत उसका माल, माल की तरफ, माल हु उसका माल गलत गलत गलत, ये इसकी तरफ जा रहे ना, अभी लहा भी हो हाँ उसका जी माल, लहा अबू लहब का। अबू लहब की तरफ जा रहा है, शाबाश आगे। वमा कसब और जो कुछ उसने कमाया, वा हुर्फे अतफ, माँ जो कुछ और कसबा ये फेले माजी है, शाबाश और इसमें जो हुआ है वो उसकी तरफ है, जो कुछ उसने कमाया यानी जो कुछ मौरूसी माल उसको मिला वो उसके कोई काम ना आया। वेरी नाइस, ठीक हो गया, शाबाश आगे। सयसला वो दाखिल होगा, सीन जो है ये हुर्फे मुस्तकबिल है, मतलब अनकरीब शाबाश के लिए इस्तेमाल होता है, शाबाश और शाबाश यह असला वो दाखिल होगा, ये फेले मजारे हैं, मदारे नारन जहन्नुम या आग में, और ये मोनस है मतलब आग से मुतालिक जितने भी दोजख के जितने भी वो हैं वो सब मोनस होते हैं, तो ये मोनस है। जाता जाता भी मोनस है, और ये जू जा और जी वो मुजक्कर है और ये मोनस है। वेरी नाइस। जाता जाता लहा भी हूं। और ये आप जो है ना जुबानी सुना रही है ना हमें? जी सर, हाँ ये शाबाश तो अभी हम लोगों ने उस दिन क्लास में प्रैक्टिस से भी किया था ना सर, हम लोगों ने किया शाबाश था। शाबाश। अच्छा लहब, ये ज़्यादा लहब क्या है? लहब लहब क्या चीज़ है? लहब भड़कती हुई छोले वेरी नाइस, शोले वाली आग, ठीक हो गया। तो वाली ठीक हो, आग, तो ये ज़्यादा ज़्यादा जो आया है मुअन्नस आया है, तो ये क्यों मुअन्नस आया है? तो इसलिए कि नारन जो वेरी ये है वो नाइस शाबाश, है जिस आग है ना, आग की मोनस बात। है इसलिए ज्यादा आया है, वरना जू और जा और जी आता। वेरी नाइस शाबाश शाबाश आगे जी। वम रात हु वाव हुर्फे अतः अम रात हु उसकी औरत यानी उसकी अच्छा इसको इमरातुन पढ़ेंगे, अगर आपने वो के बगैर पढ़ना है, इमरातुन, ठीक है, इमरातुन औरत को कहते हैं। अच्छा ये हु पे आ बीवी गया, ये हु कहाँ जा रहा है वापस? साबु लहब की तरफ हाँ तो उसकी बीवी, उसका उसकी नाम बीवी नाम याद है कोई? उम्मे जमील हाँ उम्मे जमील, ठीक है ठीक, कुनियत भी ठीक जमील है। अच्छा आगे, हमालतल हतब, मत हमाला वो उठाने वाली, हाँ हमाल कहते हैं उठाने वाले को मुजक्कर, और हमालता ये मुअन्नस है, क्या बात है, हमालतल हतब। शाबाश। हाँ शाबाश, हतब हतब कहते हैं उसको ईंधन को, दो तरह की ईंधन, वो कांटेदार झाड़ियां यहाँ और दूसरा वर्ड याद है मैं यार, देख, कांटेदार आप झाड़ियां। देख तो नहीं रही आप ना, जुबानी सुना रही है ना? शाबाश जी सर, सर याद दो है, थे ना, ईंधन और और कांटेदार झाड़ियां। नहीं, कुछ और भी मैंने बताया था, ये सर जो एक और भी था, ये और भी एक और था वो था याद नहीं आ रहा। सर वो इस्तलाही मफहूम था, सर हाँ एक इस्तलाही मफहूम था, बताओ शाबाश एकम। नहीं, बताओ सर। एक भी सबर करें, हाँ फादर वो साहब याद मेरे नहीं ही आ हैं। रहा। अच्छा चलो भाई बताओ, सुना बताओ। हाँ सर मुझे कह रहे हैं नहीं कौन कह रहा था ये? आमना कह रही थी, आमना बताओ सर, मैं कह रही सना सना सर, वो चुगलियां ये। खाती थी, बातें करती थी लोगों से नबी हाँ पाक सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम के बारे ये में। उसके सर में सौदा यही रहता था कि मैंने आग हाँ कैसे लगा ली है। चुगलियां खाने वाला अक्सर वो, खवातीन ऐसे करती हैं, अल्लाह माफ करे, अल यही खवातीन मुझे याद नहीं रहता मर्दों को भी वर्ड। अल्लाह खवातीन माफ करे, मर्द भी ऐसे होते हैं। चलो अच्छा जी फिर क्या करें आगे जी? फी में हुर्फे जर जी दे, हाँ जीत कहते हैं गर्दन को, और हाँ उसके लिए आ रहा है क्योंकि इमरा के लिए इस्तेमाल हो रहा है मोनस, वेरी नाइस इसलिए हाँ इस्तेमाल हुई है शाबाश उसकी शाबाश गर्दन में। शाबाश। हबलुम, हबल कहते हैं रस्सी को, हबलुम हाँ मिम मसद, और मिन का मतलब से, और मसद कहते हैं मूंज की या बांझ, वो जो बान होता है, बान की रस्सी चटाई वाली है? जो, नहीं कुछ और कौन सी है, क्या चीज है बताओ? मसद, मसद का नहीं बता, ये कौन सी सर चाल होती मूंज है? की रस्सी होती है ना, मूंज की जो होती है वो, बांध की जो रस्सी होती है
इतनी गाड़ी उड़ी तो मुझे मूंज का नहीं बताया। अच्छा ये इंडिया से है ना, तो ये असल में ये बताया मतलब कि ये असल में ये खजूर की जो होती है ना छाल या जो भी होती है। उसी को कहते हैं, अच्छा उसी को ठीक बांध की रस्सी, उसी को कहते हैं चटाई, वो ठीक खजूर वाली को। हो गया, बहुत शुक्रिया महपारा, आपने कमाल कर लिया माशाल्लाह। बहुत मुश्किल सूरत थी, मैंने इसलिए आपको दे दी कि आप करेंगे इंशाल्लाह। चलें तो जी, वो चुगलियां वाला मैंने नोट नहीं किया था, वो मुझे याद ही नहीं रहता। उस दिन भी सना सना नहीं बताया था मुझे चुगलियां खाने का। तो बहुत अच्छी है जी। अभी सुने जरा आयशा माशाल्लाह की, हम ये तो हमारी अब सीआर हमारी आयशा है, तो आयशा सुनाएंगी आपको, देख सुने जरा। जी। ये सूरह नसर, इसका मतलब है मदद वाली सूरह है ये, और ये फतह मक्का में के बाद नाजिल हुई थी, ये मदनी सूरह है, और ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली जो आयात है उनमें से है, शाबाश, और कुरान पाक के चौथाई हिस्से के बराबर है। क्या बात है, और इसमें खास तौर पर इशारा किया अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत फरमाने का, क्या बात है, और हजरत आयशा सदीका रजी ताला अन्हा ने फरमाया था कि जब ये सूरह नाजिल हुई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर नमाज में ये आयत, ये जो दुआ ये करते सुभान अल्लाह, शाबाश। थे। ये हुक्म था आपने ना, ये जो बात जी किए सुनाने, जो आशा कह रही है ना कि उसके बाद क्या हुआ, चूंकि इसमें हुक्म है आप देख रहे हैं ना, फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर हो, तो इसलिए फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने जी इसको एक ही तामील की है। शाबाश। अच्छा जी, जी इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इजा जब जा, ये माजी है मगर इजा के बाद जो भी माजी आता है तो उसको मुजारे में उसका तर्जुमा करेंगे, तो इजा जा इसका मतलब है कि जब आ जाए, नसरुल्लाह अल्लाह की फतह, अल्लाह की सॉरी नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह का वैसे मतलब खोलना है, लेकिन यहाँ पर कामयाबी की तरफ इशारा हुआ है, फतह मक्का। अब यहाँ पर आपने फतह मक्का कहा था, लेकिन जो मैंने नहीं एक फतेह और मक्का जगह नहीं पे पढ़ा है कहा। तो वहां पर ये था कि हाँ फतह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुई थी, लेकिन 10 हिजरी के करीब के बाद ये सूरह जो है वो नाजिल हाँ हुई है। तो नहीं बेसिकली हमने फतह मक्का का तो जिक्र है ही, लेकिन ये है कि इसका बेसिकली ये फैसला कुन फतह का जिक्र है कि जब हाँ 2 साल हाँ लग तो गए थे ये मुकम्मल तौर पर अच्छा, दीन गालिब आ चुका था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसका हमने फतेह मक्का का क्या जिक्र किया होगा। मैंने कहा था ये आखिरी सूरत है बिल्कुल, ये तो आखिरी सूरत में तो फतेह मक्का तो कब की गुजर चुकी नहीं थी। नहीं वो आपने जब फतह का कहा था ना तो आपने कहा था कि मतलब वैसे तो कामयाबी है लेकिन इसमें फतह मक्का का जिक्र है। मुझे याद नहीं आ नहीं, ये रहा। भी बोला था सर ने कि मतलब जब दीन पूरी तरह फैल चुका था, यानी कि मुसलमानों की जो हाँ खुली मतलब जब आम जो है दीन की प्रैक्टिस इस्लाम की शुरू हो गई अच्छा, हाँ थी, फतेह मक्का ये की इतनी कहानी है। डिटेल नहीं थी, मैंने सारा पढ़ा है ना, मुझे नहीं पता, मैं खामखा क्यों बोल रही हूँ कि मैंने ऐड की है। हाँ नहीं सना, अच्छा जी आप सर, सना आपने नहीं बोला दरम्यान में। अच्छा जी प्लीज, अच्छा सर कंटिन्यू ये तो रखिए। लुकमा देती है। अच्छा, अगर हम इसकी तायिद में भी बोल रहे तो इसको कितनी मिर्ची लगती है। नहीं करे ना करे ना करे ना करे, मैं क्या नहीं बोलेगी सना। चले प्लीज प्लीज आप चले, कंटिन्यू रखिए जी। वराइता, और तुमने देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, यहाँ पर इजा छुपा हुआ है, यानी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने देखा या आप देखें, वराइता नासा लोगों को, यदखलूना ये दखूल से लफ्ज निकला है जिसके मानी है दाखिल होना अंदर आना, और यदखलूना के वो सब दाखिल हो रहे हैं, फी दीनी दीन इल्लाही अल्लाह के दीन में, वाह अफवाजा ग्रो दर ग्रो या फिर जौको शौक से। तो बहुत और जब अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें लोग दाखिल हो रहे हैं ग्रो दर ग्रो अल्लाह के दीन में, फा तो सभी ये तो तस्बी इसका मतलब है, यानी कि पाकी बयान करें, शाबाश, बिहम्दी तारीफ के साथ, यानी शुक्र अदा करें, तस्बी करें अल्लाह की, पाकी बयान करें और शुक्र अदा करें रब्बु का अपने रब की, सही है। वअस्तग़फिरहू और उससे मगफरत मांगे। यहाँ पर वाओ सीन और ता जो है ये सॉरी अलिफ सीन और ता जो है ये जब आता है तो ये इसमें तलब का मानी पाया जाता है बाब इस्तफाल में। ठीक शाबाश, ये आप जरा मेजबानी है सुना रही है ना आशा, जी सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम अच्छा ये हो कहाँ जा रहा है, ना वस्तगफिर हो, ये हो कहाँ जा रहा है? अल्लाह ताला की तरफ, शाबाश, अच्छा जी, इन्नहू बेशक वो जो है, यहाँ पे भी अल्लाह की तरफ इशारा है कि बेशक वो जो है, काना काना वैसे इस काना का मतलब है था, लेकिन अल्लाह और अल्लाह ताला के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये इस्तेमाल होता है तो ये है के मतलब में चला जाता है। तो अच्छा बेशक वो है तवाबा, ये मुबालगे का सीगा है,
जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, मगर जब अल्लाह ताला के लिए आएगा तो फिर इसका मतलब है कि तौबा कबूल करने वाला, तो वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और कुछ कहना है जी। आपने आशा? नहीं सर। बहुत अच्छे, ये आपको नंबर दिए जा रहे हैं जी, 10 में से पौने 10। ये पौने का ना, पौने की एक दफा तिलावत कर दें क्यों इसको। इसमें शाकिर शाकिर उनकी जो आपने बताई थी ना ना वो ना ना, क्या ना मैं कुछ नहीं कह रहा, कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ना सिर्फ तिलावत सुना दें, पौने भी आपको देते हैं, जरा इसकी तिलावत करा दें तो वो फिर मैं बताऊँ। आप सही अच्छा। तिलावत करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاء الله ماشاء الله، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن، ماشاء الله. نہیں تو تلاوت آپ نے صحیح کی اور میں اس ایسے پریشان ہو گیا تھا بھائی. اب آپ ٹھیک ہے نا جی؟ 10/10 نمبر صحیح ہے نا عائشہ کے؟ مہپارہ آمنہ سر بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، جی بہت ہی سر. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے. چلو سر بھائی صحیح تیاری کی ہوئی ہے اس نے، اچھی ارے تیاری ماشاء ہے. اللہ ماشاء اللہ. یہ سورہ الکافرون کس کی ہے یار؟ کوئی ہے بندہ؟ हाँ जी. तो अपनी हमारी हरमैन आप कुछ सुनाएंगी मुझे? हरमैन आपका रह गया है तो जी सर, मेरी सूर्य कौशल सर सूरह कौशल सुनते हैं आपसे. ये हम जा रहे हैं पीछे, ये जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना इन्ना का मतलब है बेशक, इसमें अना छुपा हुआ है, मतलब बेशक हमने इन्ना, और ये इन्ना होना चाहिए लेकिन ये इन्ना है, इसके बाद नून अलिफ ना जो है वो अना को शो कर रहा है. बेशक हमने, सर मेरी आवाज आ रही हाँ बिल्कुल आ रही है, शाबाश. है? अच्छा, आतैना का अता, इसमें 3 लफ्ज है. अता जो है वो हमारे पास फेल है, मतलब अता किया. ना इसमें फिर ना खरा जबर जो है वो है हमने, अता किया हमने का मतलब मफूल है, और ये आपको मतलब शो कर रहा है कि हम अता किया हमने आपको, शाबाश. अता किया आपको. अल कौसर, कौसर जो है वो मतलब ये भी मफूल, ये जैसे अता किया आपको मफूल है. कौसर मतलब खैर कसीर अता किया, बेशक हमने आपको अता किया खैर कसीर. शाबाश इसके बाद है फसल लिली, फा जो है मतलब, तो सल्ली मतलब जो दुरूद और नमाज होते हैं उसको बोलते हैं, तो बस नमाज पढ़िए. और इसके बाद ली रब्बी का, ली मतलब अपने रब, रब्बी का अपने रब के लिए, काफ जो है आप शो कर रहा है कि अपने रब के लिए, और ली रब्बी का मतलब अपने रब के लिए नमाज पढ़े. वनहर, वाह अतफ मतलब, और अनहर कुर्बानी दीजिए, और कुर्बानी दीजिए. इन्ना, इसके बाद इन्ना बेशक. शानिया का, शान जो है वो, शान जो है वो दुश्मन है, और अका जो है वो आपका शो कर रहा है कि बेशक आपका दुश्मन हुआ वही अल अब्तर, अल अब्तर मतलब वही अब्तर रहेगा, और उसका नामो निशान जो है उसकी जात खत्म हो जाएगी. क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. अरे मैंने अच्छा किया ना जी. महपारा आशा क्या कहती हैं, सना क्या कहती हैं, आमना? जी सर जी सर जबरदस्त. जी सर जी सर, ये कल बहुत कम जजाक. बोलती हैं, हाँ देखा देखा ना, कम बोलती हैं लेकिन माशाल्लाह ये बोलती बोलती ही नहीं है. ही नहीं है ना, क्या करे नहीं इसका. सर, लेकिन मैं सुन रही होती हूँ सबका, मैंने आज सबका बहुत ध्यान से सुना. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. सर सर कौसर के आपने 2 मीनिंग बताए थे, मैंने बताया था कोई 30 के करीब इसके मान ही निकलते हैं, 30 के करीब में आपने लेकिन इसके ये 3 या 2 मनाए बताए हैं. ले एक बार यार, प्लीज रिपीट कर दें सर. ये मुझ पे दो बातें आ रही हैं और ये दोनों जना गलत है कि मैं दो कुछ. तीन मतलब दो तीन या मैक्सिमम मेरे ख्याल में 4 बताए, एक बार फिर रिपीट कर दें. नहीं, मैं आपको वो लिंक सेंड करूंगा आपको दोनों को. और ये कौसर जो मैंने बताया, ये बस आप यूँ समझ लें खैर कसीर बेहतरीन तर्जमा है. खैर कसीर फिर जी वो आपके मौजजात हैं, आपके अखलाक हैं, या आपके कुरान की तरफ इशारा है, या फिर आपकी उम्मत की तरफ इशारा है, या फिर आपकी औलाद की तरफ इशारा है, या फिर वो जो नहर है जन्नती नहर है जी वो हौसे कौसर हो सकती है, हौज़े कौसर हो सकता है. मैंने कहा था ये इसके 29 मान ही हो सकते हैं, तो जी तासीर है. और ये मैंने बेहतरीन बताया था आपको कि ये सईदा फातिमा जहरा का जो है ना, उसका उनका लकब भी हो सकता है कौसर, चूंकि ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं, चूंकि इसमें बात औलाद की हो रही है ना, नस्ल की हो रही जी है, सर
तो अल्लाह पाक ने उसूल चेंज कर दिया अपने रसूल के लिए और फरमाया कि जी आपकी सर, जो नस्ल है वो सईदा फातिमा तजहरा से चलेगी। तो कौसर जो है मैंने हमने आपको कौसर अता की, यानी कि फातिमा अता की आपको, तो अब औलाद आपकी यहाँ से चलेगी और कयामत तक यहीं जाएगी आपकी जो है ना। और ये जो आपका दुश्मन है, ये इसका ये दुम कटा, क्या कहते हैं, दुम कटा कहते थे ना, वो रहेगा, ये ऐसे रहेगा, बेनामो निशान रह जाएगा, इसकी कोई औलाद नहीं रहेगी और आपकी रहेगी, इसके बहुत सारे मानी। लो भाई, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बड़े ही शानदार किस्म की। अच्छा, ये अब दोबारा जो है ना, अभी दोबारा हम टेस्ट ले नहीं पाएंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे से। तो मैं अपना क्या कहते हैं उसको, हम जो जो अभी रहते हैं ना, वो सैमा को मैंने कहा हुआ है, मारिया भी शायद आ जाए, तो डॉक्टर साहब वगैरह है, तो इनसे जब ये आया करेंगी ना, तो इनसे सुन लिया करेंगे बस। अभी अभी वो टेस्ट नहीं होगा, हम पढ़ते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर महीने 2 महीने बाद देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप सबने जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया, और ये बड़ी खुशी मुझे हुई, बल्कि मैं थोड़ा सर, ये सा, हमारा कब तक खत्म होगा कोर्स? ये मुझे तो नहीं पता कि ये तो बता, देखो ये क्या चक्कर है, देखो कि ये तर्जमा है, ठीक है, आपको जब लगे ना कि यार ठीक हो गया, बस मुझे ना चीज समझ आ गई है जो मैं चाह रही थी ना, अब मुझे क्या हो रहा है कि मुझे चीजें समझ आना शुरू हो गई है, तो मैं बस ये ठीक है, मतलब वरना ये जब तक चलता रहेगा ऐसे हम लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे बस। अच्छा, जैसे मैं आपसे लेकिन पूछ, आपने कहा था कि तकरीबन दिसंबर तक ये तकरीबन हम कवर कर लेंगे, और हाँ अभी ये ग्रामर बाकी है क्या हमारी? नहीं, ग्रामर में से तो हमने जो है, मैंने एक हिस्सा छोड़ा हुआ है सिर्फ उसका, यानी हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना उसका ग्रामर का, वो कुछ चीजें रहती हैं थोड़ी सी, वो क्या है कि एक दो दो जो है ना बड़ी अहम उसमें बातें हैं, वैसे तो 15 चीजें होंगी, 25-30 तो हमने कर ली हुई हैं ऑलरेडी ना, हमने 45 चीजें बराबर करनी थी ना, 45, तो उसमें से जो बड़ी अहम चीजें हैं ना, वो दो चार चीजें बड़ी अहम हैं, वो लफ्ज की पहचान में आपको फायदा देगी, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर, ठीक है, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन ये कुरान मजीद है ना, आपने कुरान मजीद को नहीं छोड़ना, मैं चाहे फौत भी हो जाऊँ ना, आप लोगों ने कुरान मजीद का तर्जमा नहीं छोड़ना, आपने इसको सीखते रहना है आपने, ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि सीख लिया मैंने, यानी मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, ठीक है, तो आपने चलते रहना है इसको, ये वो मेरे उस्ताद है, वो बेचारे कहते हैं मतलब ये कि खत्म नहीं होता कुरान मजीद के जो अनवार है ना, और मानी है इसके, मारिफ है, तो ये खत्म नहीं होता ये, ठीक है, आपने चलते रहना है इसमें से। अच्छा, मुझे जरा ये बंद हो रहा है, माजरात, ये मुझे जरा कोई बताएगा, ये जरा तर्जुमा सुनाएगा कोई मुझे यहाँ से, जी जी कोई प्लीज, या बे ए कौमी ए कौम हाँ, इन्नमा बेशक हाजी इन्नमा क्या, ही क्यों ये आता है, इन्नमा क्यों आता है, कुछ बताएंगे आप, इन्नमा बेशक मतलब किस चीज की श्योरिटी को यकीन दहानी कराने के लिए? नहीं, ये तो है, लेकिन एक और कुछ है, कुछ कुछ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात में मैंने बताया था, और भी हमने बहुत जगह पढ़ा है, इन्नमा इसको क्या कहते हैं, ये कलमा है, इसको कहते हैं कलमाए से कलमा हस, हिसार, हाँ कलमा कलमा हसर, हसर है ये, कलमा हसर क्या मतलब होता है, कलमा हसर का से मतलब मतलब ही, ये पूरे इस टॉपिक को हिसार में ले लेता है। घेरे हुए हाँ हो गया, घेरे शाबाश, हुए तो है एक कौम बेशक सिर्फ और सिर्फ, हाँ बताएं आगे क्या है, हाज ही ये हाँ हयात जिंदगी दुनिया दुनिया की हाँ ये दुनियावी जिंदगी जो है ये क्या जो है, दुनियावी जिंदगी मताउन दौलत मताउन, दौलत को नहीं कहते बच्चे, मताउन, हाँ दौलत को तो कहते हैं, दौलत उनमें से एक हिस्सा है ना, क्या मता किसे कहते हैं भाई, मता, सब कुल असासा हाँ सामान, असासा, सामान, समान। ये जो दुनिया है ओके, ना, ये दुनिया की दुनियावी जिंदगी है ना, जैसे हम कहते हैं ना थोड़ा मालो मता। साजो, हाँ हाँ साजो सामान है हाँ तुम्हारा, ये ऐसा नहीं है कि कुछ साथ लेके चले जाओगे तुम आखिरत में, ये दुनिया है बस, यहाँ इस्तेमाल करो चीजें बस, जैसे डिस्पोजेबल चीजें होती हैं, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये दुनिया डिस्पोजेबल है, इसको ऐसे इस्तेमाल करो। आगे क्या है, आगे क्या फरमाया, नहीं, वाह हरफे अतफ इन्ना हाँ बेशक हाँ अल आखिराती आखरत जो है हाँ ही या वो ही हाँ दारुल दार शाबाश, यानी कि लेकिन घर यही है खतरनाक हो गया, करार आपने बड़ा अच्छा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वही क्या है, दार दारुल करार, घर क्या करार यानी कि मुस्तकिल रहने वाली हाँ जी, करार पकड़ने वाली जगह जो है हमारा घर है ना, वो आखिरत है, कितनी माशाल्लाह। ये जबरदस्त आयत है, आयत करीमा है ना, कितनी प्यारी आयत करीमा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये कोई सर प्लीज बताए, एक बात है सर, आपने वो जो नफ्से लवामा और उसके ऊपर जो लेक्चर था सर, प्लीज उसका भी कुछ करें उसका भी कुछ करते हैं, उसका भी कुछ करते हैं,
ठीक है तो वो शर्म, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि हम लोग का बीच में मिस हो गया है, वो बहुत नहीं, वो जरूरी करते है हैं, कैसे कंट्रोल। करते हैं इंशाल्लाह, करते हैं वो, करते हैं, डोंट वरी हो जाए, डोंट वरी हो जाए, करते हैं इंशाल्लाह। ये जरा कुछ मुझे सुना, ये जरा जल्दी से, 3 मिनट रहते हैं, जल्दी से बताएं जी, कोई और जल्दी से शुरू तो करो, शुरू तो यौमा करो। हाँ यौमा जिस दिन ला हाँ नहीं यन हाँ वो फायदा देगा यन वो उस जालिम जालिमीन हाँ ला यनफौ, जालिमों को ऐसे देखो, ला यनफौ जालिमीन का तर्जुमा करो। हाँ ला यन्फो जालिमीन जालिमों को फायदा नहीं देगा जिस शाबाश, दिन क्या क्या नहीं देगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है। माजरतु हम उनकी माजरत हाँ उनके जी, उनका ओए होए वो होए, कितनी कहना सख्त बात है वाला ना, हम कोई सुनो जरा, कि ये जालिमों को उनकी माजरत और सॉरी कहना उस वक्त फायदा नहीं देगा। फायदा नहीं देगा आगे वाला हम और उनके लिए लानतु लानत है वाला हम और उनके लिए सुउद्दार बुरा घर है हाँ, सु सू, खराब हाँ जी, सू दार का मतलब घर होता है खराब, छाबा, बुरा, बद, और दार का मतलब घर है, उनके जहन्नम लिए खराब घर है। वाह वाह वाह, या रबी या रबी, की बात हो रही सर। ये हाँ जहन्नम की बात हो रही है और आखिरत की बात हो रही है, ये कुछ सुनाएगा मुझे अहबाब, जल्दी से शाबाश, 2 मिनट रहते हैं बस, शुरू करो। ली खलको मतलब पैदा किया समावाती समावात मतलब आसमान वल अच्छा एक अर्दी एक मिनट एक और मिनट एक मिनट, जमीन लाम जबर ला का क्या तर्जुमा किया आपने? लाम जबर ला के 2 तर्जुमे हो सकते हैं, क्या है? खलक को तो मतलब खलक मतलब बनाया नहीं खलक नहीं कह रहा, लाम कह रहा, लाम जबर ला, लाम लिए और बोले सर। चाहिए सर हाँ बेशक के लिए हाँ है सर यानी कि बेशक के लिए है। बेशक, अच्छा शाबाश, बेशक के यकीनन सही यकीनन, सर शाबाश, हाँ। सही सर क्या मतलब इसका, कि क्या तर्जुमा हुआ? खलक समावाती, बेशक उसने बनाया पैदा नहीं ना, किया देखो खल्क सही सर समावाती, ये क्या हो रहा है, कौन सा मुरक्कब है, फिर आपको तर्जुमा आएगा ना। शाबाश, हाँ कोई सुनाएगा, कोई कोई बताएगा, बताएं प्लीज बताएं, आयशा नहीं बोलो ना यार, कोई जल्दी करो, ये 1 मिनट। किधर गई आयशा खलक समावाते आसमानों को पैदा किया अर्थजन्मी जमीन ऐसे, हाँ देखो, को शाबाश शाबाश, देखो आसमानों की पैदाइश में, उल्टा तर्जुमा करो, अकबरु आसमानों की पैदाइश वल अर्द और जमीन की, उसमें क्या है? सबसे बड़ा हाँ सबसे बड़ा है क्या? हाँ मिन खल्क नासी हाँ इंसानों की पैदा करने से क्या मतलब इसका उत्तर, में क्या हुआ इसका, के यानी इंसानों के पैदा पैदा करने करने से, से हाँ बड़ा है हाँ आसमानों और जमीन की पैदाइश जी, आगे वलाकिन और हाँ, वला किन्ना, लेकिन हाँ लेकिन, वलाकिन और हाँ लेकिन अक्सरन और नासी लेकिन लोग जो अक्सर है लोग वो ला यालमो नहीं जानते जानते हाँ, नहीं इलम लोगों के रखते अक्सर जो है, ला यालमून, नहीं जानते, वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा, इल्म नहीं वला रखते यस्तवी, वमा यस्तवी, और नहीं है बराबर, अल अमा अंधा, वल बसीर, और बीना, और देखने वाला बीना बोलने और बीना बराबर नहीं है, वल्लदीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलु मान सालिहाते, और नेक अमल किए, वलल मुसी, और ना ही गुनाहगार, एक कलील अम्मा ततज़क्करून, बहुत कम जो है तुम लोग लेकिन पकड़।